नमस्ते फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग आप सबको। तो मेरा लास्ट वीडियो था मेनोपॉज के बारे में, जिसमें मैंने मेनोपॉज के सिम्टम्स और मेनोपॉज क्या होता है इसके बारे में डिस्कस किया है। तो आज मैं बताना चाहती हूँ ट्रीटमेंट ऑफ मेनोपॉज के बारे में। ये मेरा वीडियो का पार्ट वन है, जिसमें मैं सिर्फ घरगुती ट्रीटमेंट इस वीडियो में आपको बताना चाहती हूँ, यानी खाने पीने के कैसे पदार्थ आप इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे कि आपके जो मेनोपॉज से रिलेटेड सिम्टम्स होते हैं, जो हॉट फ्लशेस होते हैं, नाइट स्वेट्स होते हैं, क्या खाने से आपके ये मेनोपॉज के सिम्टम्स कम हो सकते हैं। तो वीडियो के आखिरी तक बने रहिए, क्योंकि ये सारी चीजें जो है वो हम खुद घर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये मोस्ट ऑफ द सिम्टम्स खाने पीने के थोड़े से डाइट चेंज करने से ही आप ओवरकम कर सकते हो, और आपको डॉक्टर की भी जरूरत नहीं है। सो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया, मेनोपॉज के मोस्ट ऑफ द सिम्टम्स ईस्ट्रोजन, बॉडी में ईस्ट्रोजन की कमी की वजह से होते हैं। तो अगर आपके खाने पीने में ऐसी चीजें जो हमको ईस्ट्रोजन जैसा ही इफेक्ट दे बॉडी में, ऐसी चीजें आप लेते हो, तो आपके जो मेनोपॉज रिलेटेड सिम्टम्स है वो कम हो जाते हैं। प्लांट एक्सट्रैक्ट ईस्ट्रोजन जो होते हैं उसको हम फाइटो ईस्ट्रोजन बोलते हैं, और खाने पीने में सोया में आइसोफ्लेवान्स होता है, फाइटो ईस्ट्रोजन की जैसा बिहेव करते हैं। तो सोया बीन्स है, सोये का आटा है, सोया मिल्क है, ये सारी चीजें में फाइटोइस्ट्रोजेंस होते हैं, यानी कि ये सारी चीज सोया के कोई भी आइटम्स आप लोगे उसमें आपको ईस्ट्रोजन जैसा इफेक्ट मिलेगा। तो काफी हद तक आपके जो हॉट फ्लशेस, नाइट स्वेट्स, मूड इरिटेबिलिटी मेनोपॉज की वजह से है वो कम हो सकते हैं। तो सोया आटा जो है वो आपको मार्केट में मिल जाता है, आप उसके नॉर्मल आटे में मिक्स करके रोटी बना के ले सकते हो। टोफू है, पनीर है, सोया के मिल्क आ सकते हैं, नॉर्मल मिल्क अगर आपको अवॉइड करके आप सोया मिल्क लेते हो तो भी आपके सिम्टम्स काफी हद तक कम हो सकते हैं। सोया आपको खाना है। ऑल्सो सोया के साथ दूसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो है सैल्मन। यह सैल्मन, अगर जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं वो सैल्मन फिशेस जो है इसमें बहुत अच्छी क्वांटिटी में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, जो हार्ट के लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं। और मेनोपॉज में ईस्ट्रोजन की कमी की वजह से, जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है कि वो ईस्ट्रोजन कार्डियो प्रोटेक्टिव होता है, और ईस्ट्रोजन की कमी की वजह से आपके जल्दी हार्ट डिजीज होने के चांसेस रहते हैं। तो आपके डाइट में सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज सैल्मन का होना बहुत जरूरी है। अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप ग्रीन वेजिटेबल्स ले सकते हो, और सैल्मन ओमेगा 3 के सप्लीमेंट्स कैप्सूल्स मिलते हैं, वो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगी, जिसकी लिंक मैं नीचे आपको वीडियो में दे देती हूँ। तो सैल्मन, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो सैल्मन के फिशेज आप ले सकते हो। ट्वाइस इन अ वीक लेने से आपकी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है। सो पहले तो आपको सोया लेना है, सेकंड आपको सैल्मन लेना है, थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड आपको, अगर आप मेनोपॉज के सिम्टम्स फेस कर रहे हो तो थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड है कैल्शियम। यस, जो भी आपके फूड में कैल्शियम आप लेते हो, आपको वो फूड में आपको कैल्शियम इंक्लूड करना है। बेस्ट है डेयरी एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, यानी आप दूध ले सकते हो, दही ले सकते हो, छाछ ले सकते हो, पनीर ले सकते हो, कॉटेज चीज या चीज ले सकते हो। ये सारी चीजों में कैल्शियम बहुत ज्यादा मात्रा में रहती है। मेनोपॉज के एज में कैल्शियम की कमी की वजह से और ईस्ट्रोजन की कमी की वजह से बोन्स में वीक हो जाते हैं, जॉइंट्स में प्रॉब्लम हो जाती है, तो आपके खाने में कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा काफी अमाउंट तक होना जरूरी होती है। एट द एज ऑफ मेनोपॉज डेली आपकी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट 1200 mg पर डे होती है। तो अगर आप इनफ क्वांटिटी ऑफ कैल्शियम नहीं कंज्यूम कर रहे हो तो आपको कैल्शियम के सप्लीमेंट्स आप ले सकते हो। मोस्ट रिकमेंडेड मेरे पेशेंट्स को शेलकैल देती हूँ 500 mg की गोली दिन में 2 बार, तो मेरा 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम वहीं पे पेशेंट्स को हो जाता है, और बाकी 200 ग्राम या 500 ग्राम वो अपने फूड और डाइट से ले सकते हैं।
फिर आते हैं वेजिटेबल्स की बारी। वेजिटेबल्स में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स यानी कि स्पिनच है और ब्रोकोली। जी हाँ, ब्रोकोली में बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स रहते हैं जो कि बढ़ती उम्र के साथ जो फ्री रेडिकल्स बॉडी में बनते हैं उसको फाइट करने की बॉडी में इम्यूनिटी बढ़ाता है। जी हाँ, सो आपको आपके सैलड में या वेजिटेबल में या खाने में ब्रोकोली, ग्रीन वेजिटेबल्स का कॉलीफ्लावर, ये सारी चीजें आइसोफ्लेवोन्स में रिच होती है, तो इनका सेवन डेफिनेटली आपको सब्जी में करना चाहिए। वेजिटेबल्स के बाद आती है फ्रूट्स की बारी। फ्रूट्स में आप ब्लूबेरी, ग्रेप्स, जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं वो ज़्यादा फायदा करते हैं क्योंकि उसमें कैल्शियम की भी कमी रहती है और विटामिन सी रहता है जो कि कैल्शियम अब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। तो फ्रूट्स में बनाना भी बहुत फायदा करता है, उसमें कैल्शियम रहता है, हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए आयरन के तत्व रहते हैं, तो फ्रूट्स का सेवन आपको करना है। सो फ्रेंड्स, आजकल मार्केट में बहुत सारे सीड्स भी अवेलेबल है। सो चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, ये आप हार्ट प्रोटेक्टिव रहते हैं, ये आपके हार्ट के लिए बहुत फायदेमंद रहता है। सो मेनोपॉज में अगर आप ये चीज का सेवन करते हो तो आपकी बॉडी में ये भी एक फाइटोइस्ट्रोजेंस की तरह बिहेव करते हैं और मेनोपॉज के सिम्टम्स को काफी हद तक कंट्रोल में रखते हैं। तो फ्लैक्स सीड्स और चिया सीड्स कैसे हैं, कभी कोई मुखवास में मिक्स करके ले सकते हो, या फिर जैसे मैं मेरी गाड़ी में छोटे से डिब्बे में ही भर के रख देती हूँ फ्लैक्स सीड्स, और जब भी मैं को टाइम मिलता है सिग्नल पे या जब मेरी गाड़ी रुकती है मैं थोड़ा सा फ्लैक्स सीड्स चबा लेती हूँ। सो इतना भी करोगे तो काफी इनफ है। पल्सेस में राजमा, छोले, काबुली चना, मसूर दाल, उड़द दाल, ये सारी चीजें बहुत हेल्दी होती है और ये कहीं ना कहीं आपकी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट जो है या फाइटोइस्ट्रोजेंस की रिक्वायरमेंट जो है वो बॉडी में फुलफिल करती है। तो इसको भी आपके रूटीन डाइट में आपको मेनोपॉज के दौरान इंक्लूड करना है। फ्रेंड्स, आपको आपके खाने में फाइबर की मात्रा बहुत ज्यादा इंक्लूड करनी है। फाइबर रिच फूड्स यानी जो आपके गट को रफेज प्रोवाइड करे। सो आपको मौसमी है, लाइम जूस है, जैसे मैंने आपको फ्रूट्स के सेक्शन में बताया है। सो फाइबर रिच फूड्स आपको ज्यादा खाने हैं जिससे आपका इम्यूनिटी जो है आपकी बॉडी की बनी रहे, आपको जो गट के प्रॉब्लम्स लेटर स्टेजेस में होते हैं वो ना हो और आपका वेट भी पोस्ट मेनोपॉज कंट्रोल में रहे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको आपके खाने पीने में या पूरे दिन भर में 6 to 8 glasses, इनफैक्ट 8 to 12 glasses मैं रिकमेंड करती हूँ, 8 to 12 glasses ऑफ पानी आपको पीना ही है। पानी पीने से आपको कॉन्स्टिपेशन की जो शिकायत होती है वो कम हो जाती है, आपकी जो स्किन में ड्राइनेस ओवरऑल आ जाती है एस्ट्रोजन की कमी की वजह से वो भी नहीं रहती है, हमेशा फ्रेश लुक लगा रहता है, कभी डिहाइड्रेशन की फीलिंग नहीं होती है। सो पानी के मल्टीपल बेनिफिट्स है और पानी का सेवन आपको बिल्कुल करना चाहिए। डाइट की बात आ रही है तो विटामिन डी रिच फूड्स भी आपको लेने चाहिए, जैसे कि बनाना, और अगर खाने पीने से आपको विटामिन डी की नहीं मिल रहा है तो आप सनलाइट ले सकते हो, तो बाहर थोड़ा सा वॉक करें, नेचुरल सनलाइट ले, इससे भी आपको बहुत फायदा होगा। सो फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा और आपको डाइट या मेनोपॉज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होंगे तो मुझे नीचे कमेंट्स में बता दीजिए। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक दे दीजिए और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।